कामारेड्डी के रिहायशी में मॉन्की पॉक्स की अलामत हुई जाहिर। रियासत के सेहत के अहदेदारान ने कहा कि मरीज की जिल्द पर जख्म और बुखार था, लेकिन इसकी हालत अभी मुस्तहकिम बताई जा रही है। ताहम आज तक भारत में मॉन्की पॉक्स के 4 वाकयात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 1 दिल्ली में और 3 दिगर केरला में वाक़ हुए थे। सरकारी हुकाम के मुताबिक मुल्क के दारुल हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले 1 34 साल शख्स जिसने कभी बाहर का सफर नहीं किया, इसमें भी मॉन्की पॉक्स वायरस का टेस्ट मुस्बित आया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मॉन्की पॉक्स को बैन अलाक्वामी तश्वीश की आलमी सेहत आमा को इमरजेंसी करार दिया और हिंदुस्तान में इस बीमारी के 4 केसेस रिपोर्ट किए गए। माहरीन ने इतवार को कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम मुतादी और शाजो नादिर ही मोहलिक बीमारी है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने इतवार को कहा कि आज दोपहर को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की तरफ से मॉन्की पॉक्स पर एक आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया जाएगा।